पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने MBA HP यूनिवर्सिटी से की है और HP यूनिवर्सिटी से MBA करने के बाद 9 ईयर्स मैंने कॉरपोरेट में जॉब की है। उसके बाद मैं अपने ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड या जो हाई डेंसिटी अब मैं कर रहा हूँ इसकी तरफ मेरा झुकाव हुआ। उसका मेन रीज़न ये था कि 9 साल जॉब करने के बाद जो इनकम हमें एक जॉब से या प्राइवेट जॉब से मिलती है वो ऑर्चर्ड के सामने 1/3 भी नहीं है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन पे जाने का सबसे मेन जो मकसद है वो है कि अर्ली क्रॉपिंग है इसमें। कन्वेंशनल फार्मिंग होता है उसमें जो हम सीडलिंग पे पौधा लगाते हैं उसको ग्राफ्ट करते हैं, उसमें 5 से 10 साल में आपका पहला सैंपल आता है और क्वालिटी प्रोडक्शन आने में उसमें 15 ईयर्स का टाइम लगभग लगता है। और जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो रूट स्टॉक स्पेसिफिकली M9 पे जो हो रही है उसमें आप पर यूनिट एरिया ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंगस्टर्स जो अदरवाइज बागवान हैं और दूसरी जगहों पे काम कर रहे थे, कोविड के दौरान उन्हें मजबूरन सेहत की वजह से अपने घर वापस आना पड़ा। सो घर वापस आके नौकरी का प्रबंध होना एकदम से शायद इतना आसान नहीं था। तो जिन लोगों की अपनी लैंड होल्डिंग्स थी उन्होंने अपने खेतों में, अपने बगीचों में आके काम करना शुरू किया।